प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां तमिलनाडु के कल्पक्कम में पीएम मोदी की विशाल रैली आयोजित की गई और विपक्ष को लेकर इस दौरान पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा, बड़ी बात कह दी जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। जी हां, तमिलनाडु के कल्पक्कम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि तमिलनाडु के प्रति मेरा लगाव काफी पहले से है। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि मुझे तमिलनाडु के लोगों से बेहद प्रेम है और मुझसे आप लोगों का प्रेम भी काफी पुराना है। उन्होंने ये भी कहा कि इधर उधर वर्षों से मैं जब भी तमिलनाडु आता हूँ तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। बता दें कि पीएम मोदी का ये कहना कि जब भी मैं तमिलनाडु आता हूं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, राजनीति में चर्चा का विषय बन गया, जिससे सियासी माहौल भी अब गर्म हो गया है। लगातार विपक्ष पर पीएम मोदी हमला बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, पीएम मोदी लगातार रैली कर रहे हैं और रैली में जमकर हुंकार भरते हुए विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को इस बात की तकलीफ होती है कि भाजपा का जनाधार लगातार तमिलनाडु में आखिर बढ़ क्यों रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव में जीत किसके हाथ लगती है। फिलहाल पीएम मोदी ने तमिलनाडु में लोगों को संबोधित करते हुए अपनी रैली में और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। तमिलनाडु के प्रति मेरा लगाव बहुत पहले से है। मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, इन्हें इस बात से तकलीफ होती है कि बीजेपी का जनाधार यहां लगातार बढ़ रहा है। तमिलनाडु के प्रति मेरा लगाव बहुत पहले से है। मुझसे आपका प्रेम भी बहुत पुराना है, लेकिन इधर कुछ वर्षों से मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, इन्हें इस बात से तकलीफ होती है कि बीजेपी का जनाधार यहां लगातार बढ़ रहा है। और आज यहां चेन्नई में भी हम देख रहे हैं दूर दूर तक लोग ही लोग बैठे हैं, उत्साह से भरे हुए लोग बैठे हैं। तो देखा आपने कि किस कदर पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए तमिलनाडु में विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि लोगों के पेट में दर्द होता है जब मैं तमिलनाडु आता हूं। फिलहाल ये बयान अब चर्चाओं में है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।